Hello students, last video I have complete exercise 5.2. Today we start the exercise 5.3. First the law of exponential. The law of exponential means अगर किसी के बेस ये क्या होता है आपका बेस m क्या होगी उसकी पावर. ठीक है, बेस दोनों का बेस सेम है a और a, और पावर दोनों की क्या होती है डिफरेंस होती है, तो उन दोनों के पावर के बीच में क्या हो जाएगा प्लस. एज ए एग्जाम्पल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4, 2 की पावर क्या हो जाएगी 7. इट्स योर आंसर, मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म. नेक्स्ट अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा माइनस. पावर के ऊपर पावर है तो वो क्या हो जाएगा दोनों पावर के बीच में मल्टीप्लाई. एज ए एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो 2 की पावर 3 2 6, इस तरह से. सेम थिंग, पावर सेम है, बेस डिफरेंस है, तो बेस के बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई. दोनों में डिफरेंस देख लेना, यहाँ पे पावर सेम थी, सॉरी बेस सेम था, पावर डिफरेंस थी, तो पावर के बीच में क्या हुआ था प्लस हुआ था. इस यहाँ पे पावर सेम है, बेस डिफरेंस है, तो उस बेस के बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई. और नेक्स्ट अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1. चाहे 1000 की पावर 0, चाहे 1 की पावर 0, चाहे 100 की पावर 0, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1. तो नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन. एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2. तो फर्स्ट क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे. फर्स्ट का फर्स्ट पावर देखो बेस सेम है, पावर क्या है डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4 पावर 2. पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा पावर के बीच में मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 2 8. इट्स योर आंसर, अंडरस्टूड. सेम थिंग सेकेंड नंबर, 1 की पावर 5 अपॉन 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 8. नाउ अब इसमें क्या करोगे, देखो पहले डिवाइड है उसको ऊपर लेके जाओ, 1 की पावर 5 माइनस 3. अगर डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर कहाँ जाएगी ऊपर जाए, क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 8. 5 माइनस 3 में से 1 की पावर क्या हुई 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 8. पावर के बीच में बेस सेम है, पावर में क्या हो जाएगा प्लस, 1 की पावर क्या हो जाएगी 10. सेम थिंग, डिवाइड है लेके जाके माइनस हो जाएगा, -5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 8. 5 माइनस 3 2 8. अब बेस सेम हो गया, पावर डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 10. नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर इन द एक्सप्रेशन फॉर 2 की पावर 3 y की पावर 3 इक्वल टू 64, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y. 2 की पावर 3 y की पावर 3 इक्वल टू 64. 64 का लास्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट से बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन करके, इस तरह से लास्ट वीडियो में अपने ने किया था. तो 2 की पावर कितनी आई थी, 6 आई थी. तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई वाई की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 6. 64 का करोगे तो 2 की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, अब 6 है तो उसको इस तरह से कर सकते हो आप, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6. अब ये दोनों सेम है, ये इससे कट हो जाएगा, तो y की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. तो इसमें आंसर पूछा है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. पावर से पावर कट हो जाएगी, इक्वल है इसलिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2. नाउ नेक्स्ट सेम थिंग, विच इज द फॉलोइंग इज द ट्रू, कौन सा पावर ट्रू है. थर्ड नंबर, a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू a b की पावर m, मतलब दोनों पावर अगर है तो बेस सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला है, फोर्थ नंबर. नाउ नेक्स्ट 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, तो विच आंसर. अब मैंने बताया था किसी की पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा 1. 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0. 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 1 और 1 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2. तो विच आंसर, ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट सिंपलीफाई.
simplify by explain the form. First number, they are the three question. One divide and one multiply. Third number is the do yourself. First number, 1 की पावर 7 × 1 की पावर 7, 3 and 5. And third number is 2 की पावर 5 divided by 2 की पावर 5, 4. 6. Now देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, कौन सा पावर के बीच में क्या हो जाएगा, प्लस. तो 1 की पावर 7 3 प्लस 5 इक्वल टू 1 की पावर 7 3 प्लस 5, कितना हो जाएगा 8. इट्स योर आंसर. सेम थिंग हियर, डिवाइड है, डिवाइड में क्या होगा पावर के बीच में, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, क्या होगा माइनस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4, तो 2 की पावर 5, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2. इट्स योर आंसर. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी. रेस्ट ऑफ क्वेश्चन सेम एज है, डिवाइड है, तो क्या करोगे, पावर के बीच में माइनस, और मल्टीप्लाई है तो पावर के बीच में क्या होगा, प्लस. क्वेश्चन नंबर 7, लुक हियर. −1 की पावर 5 3 की पावर 4. अब देखो पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो क्या हो जाएगा आंसर, −1 की पावर 5 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12. तो −1 की पावर 5 3 5 12. इट्स योर आंसर. अंडरस्टूड. रेस्ट ऑफ क्वेश्चन सेम एज है, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा माइनस, और मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, प्लस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव रिटन द एक्सप्रेशन द रेशनल नंबर. सेम एज है, रेशनल नंबर है, डिवाइड करना है. क्वेश्चन नंबर 2, 6 upon 13 की पावर 7 divided by 6 upon 13 की पावर 4. थर्ड नंबर, 1 upon 6 की पावर 3 multiply 3 की पावर 3. देखो 6 upon 13 बेस सेम है, पावर डिवाइड है, तो क्या करोगे, −6 upon 13 7 minus 4. तो 6 upon 13 की पावर 7 minus 4 3. इट्स योर आंसर. अब यहाँ पे देखो बेस भी अलग है, डिफरेंस है, ये भी अलग है, कैसे करोगे. 1 की पावर 3 लास्ट वीडियो में बताया था, 6 की पावर क्या करोगे, 3 into 3 की पावर 3. अब 6 की पावर 3 अगर इसको एक्सपोंस करके भी कर सकते हो, 6 को कितनी टाइम्स लिखोगे, 3 times, 3 को कितने टाइम्स लिखोगे, 3 times. ये लास्ट वीडियो बताया था कि जितनी पावर है उतने फॉर्म में इसको क्या करो, लिखो. तो 3 से 6 कट हो गया 2 जा 3 से 6 2 जा 3 से 6 2 जा. तो क्या हुआ, 1 1 1 2 multiply 2 multiply by 2, यानी 2 की पावर भी 3 हुई, 1 की पावर भी 3, यानी 1 upon 2 की पावर 3. इट्स योर आंसर. अंडरस्टूड. सेम थिंग क्वेश्चन नंबर 5 देखो. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, 1 upon 2 की पावर 3 multiply 1 upon 2. क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें कैसे करोगे, इसकी पावर जगह कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर क्या करोगे, 1. तो ये 1 upon 2 की पावर 3 पावर क्या हो जाएगी, प्लस 1. अगर पावर कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1. तो 1 upon 2 की पावर 3 plus 1 क्या हो जाएगी, 1 upon 2 की पावर 3 plus 1 equal to 4. इट्स योर आंसर. अगर 0 पावर दी है तो आंसर होगा 1. अगर किसी की पावर अगर कुछ नहीं है तो वो अपना खुद का 1 होता है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, पावर. तो 1 upon 2 की पावर 1, तो 3 plus 1 equal to क्या हो जाएगा, 4. तो 1 upon 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एबुलेट क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6/11 2+3 डिवाइड बाय 6/11 5। थर्ड सेकेंड नंबर 3/10 9-9। थर्ड नंबर 6/7 3/2 डिवाइड बाय 6/7 2/3 एंड फोर्थ नंबर 5/7 3/2 की पावर 5 डिवाइड बाय 15/14 की पावर 5। लुक हियर, अब देखो 6/11 इक्वल टू 6/11 2+3 क्या हुआ 5 डिवाइड बाय 6/11 टू की पावर 5 डिवाइड है तो क्या हो जाएगा माइनस 6/11 5-5 क्या हुआ 6/11 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अंडरस्टूड, सेम थिंग सेकेंड नंबर में भी 9-9 0 तो 3/10 की पावर क्या हो जाएगी 0। 3/10 पावर 0 आंसर क्या हो जाएगा 1। सेम थिंग हियर 6/7 पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है मल्टीप्लाई मीन्स क्या होगा 3×2 क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 6/7 की पावर 6 तो 6/7 6-6 क्या हो जाएगा 0 तो 6-7 की पावर 0 आंसर क्या हो जाएगा 1। सेम थिंग 5/7 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 5 3 15 अपॉन 7 2 14 की पावर 5। अब यहाँ पे भी 15 अपॉन 14 की पावर 5 डिवाइड है क्या हो जाएगा माइनस 5-5 इक्वल टू 15/14 की पावर 0 आंसर इज द 1। अंडरस्टूड, इसमें चार क्वेश्चन थे 4 के 4 मैंने कराए। देखो पहले क्या करोगे जो पावर 2 है तो उसको 1 पावर करोगे तो 2+3 कितना हो जाएगा 5। अब बीच में डिवाइड है तो क्या हो जाएगा माइनस 6/11 की पावर 1। सेम थिंग पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा 3 2 6 2 3 6 माइनस करोगे क्या हो जाएगा 1। 9-9 0 3/10 0 आंसर क्या हो जाएगा 1। सेम थिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे 5 3 15/14 की पावर 5 15/14 की पावर 5 5-5 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस द रिजल्ट द पावर ऑफ द 5। मतलब इसके आंसर आपको किस में लेके आना है पावर ऑफ द 5 में। पावर ऑफ 5
टू की पावर फाइव टेन डिवाइड बाय टू की पावर फाइव सेवन प्लस थ्री। सेकेंड नंबर वन अपॉन फोर टू थ्री डिवाइड बाय वन अपॉन फोर थ्री टू। सेम एज ए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह ही है। नेक्स्ट थर्ड नंबर फाइव ज़ीरो प्लस सेवन ज़ीरो प्लस टू ज़ीरो प्लस थ्री ज़ीरो। टू की पावर फाइव टेन डिवाइड बाय टू की पावर फाइव, तो क्या हो जाएगा टू की पावर फाइव टेन माइनस पावर है तो क्या हो जाएगा माइनस टू की पावर फाइव। फाइव प्लस थ्री की सेवन प्लस थ्री कितना हो जाएगा टेन, टेन माइनस टेन ज़ीरो, यानी टू की पावर फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा ज़ीरो। और इसको पावर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, टू की पावर भी ज़ीरो एंड फाइव की पावर ज़ीरो, आंसर क्या हो जाएगा वन। सेम थिंग थर्ड नंबर फाइव की पावर ज़ीरो वन, सेवन की पावर ज़ीरो वन प्लस टू की पावर वन प्लस वन, मीन्स क्या हुआ वन वन टू प्लस टू, टू प्लस टू कितना हो जाएगा फोर, इट्स योर आंसर। थर्ड नंबर वन अपॉन फोर की पावर कितनी हो जाएगी सिक्स डिवाइड बाय वन अपॉन फोर की पावर सिक्स, वन अपॉन फोर की पावर सिक्स माइनस सिक्स, तो वन अपॉन फोर की पावर क्या हो जाएगी ज़ीरो, आंसर इज द वन। अंडरस्टूड, जैसे अगर पावर की पावर तो माइनस करोगे ज़ीरो आंसर आ जाएगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिंप्लीफाई, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर फोर। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, सिंप्लीफाई माइनस टू की पावर फाइव की पावर थ्री डिवाइड बाय वन अपॉन ट्वेंटी फाइव की पावर थर्टी टू। देखिए टू की पावर थ्री इसको कैसे लिखोगे, सिंप्लीफाई करना है माइनस टू की पावर थ्री को थ्री टाइम्स लिख दो, या तो इसको क्या करोगे टू की पावर थ्री मीन्स क्या हो जाएगा एट, फाइव की पावर थ्री वन ट्वेंटी फाइव, मल्टीप्लाई 125 32 एज इट इज़, 125 कट 8 की पावर 8 फोर जा 32 माइनस 1 अपॉन 4 मीन्स क्या हुआ माइनस 1 2 की पावर 2, ये भी आंसर हो सकता है आपका। और आपको इसको पावर फॉर्म में लिखना है तो दिस फॉर्म में। अंडरस्टूड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर सिक्स, थ्री की पावर फोर की पावर टू मल्टीप्लाई फाइव अपॉन सेवन की पावर टू अपॉन फाइव अपॉन सेवन की पावर थ्री, फोर अपॉन थ्री की पावर माइनस टू। अब देखो फाइव अपॉन सेवन, फाइव अपॉन सेवन सेम है, बट ये थ्री अपॉन फोर है, यहाँ पे फोर अपॉन थ्री है, इसको क्या करोगे थ्री अपॉन फोर बनाओगे। जब थ्री अपॉन फोर बनाओगे जब पावर क्या हो जाएगी इसकी, सॉरी यहाँ पे प्लस है। अगर कोई भी नंबर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक सी रूल देखो, अगर नीचे पावर की पावर एम है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस एन, माइनस एम, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी वन अपॉन प्लस एम, दिस इज़ अ रूल नंबर सिक्स। तो यहाँ पे क्या करोगे थ्री अपॉन फोर की पावर टू, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा थ्री अपॉन फोर माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा इधर माइनस टू। सेम थिंग इसको चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे थ्री अपॉन फोर माइनस टू, अब इसको ऊपर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस टू। अंडरस्टूड, सेम थिंग मल्टीप्लाई फाइव अपॉन सेवन की पावर टू
माइनस थ्री, मतलब थ्री अपॉन फोर अपॉन थ्री था, थ्री अपॉन फोर कर दिया तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस टू, माइनस टू को ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो थ्री अपॉन फोर की पावर क्या हो जाएगी फोर, और फाइव अपॉन सेवन की पावर क्या हो जाएगी माइनस वन। अब पावर माइनस है उसको प्लस करोगे तो थ्री अपॉन फोर की पावर फोर, जब पावर माइनस है तो प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा सेवन अपॉन पावर की पावर वन, इट्स योर आंसर। अंडरस्टूड? सेम थिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर भी ऐसा ही है, सिंप्लीफाई लास्ट में सिक्स नंबर में देखो जिसकी पावर जीरो उसका आंसर क्या लिखोगे वन, तो उसमें आंसर वन डिवाइड बाई वन तो क्या हो जाएगा वन। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स है सेवन नंबर, वो डू योर सेल्फ करना है। फाइंड द वैल्यू टू की पावर एट माइनस टू की पावर एट, वहाँ पे माइनस नहीं है, वहाँ पे क्या टू की पावर इलेवन यानी टू की इलेवन के टाइम्स लिखोगे, उसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करके और टू की पावर एट का मल्टीप्लाई करके आंसर की वैल्यू फाइंड करना है आपको। अंडरस्टूड? तो एंड क्वेश्चन नंबर नाइन, एटीन की पावर टेन है, एटीन की पावर टेन, 18 की पावर 10 तो इसको क्या लिखोगे, 18 मीन्स क्या हुआ 2 इंटू टू, 3 इंटू थ्री यानी 2 की पावर 10 हो जाएगी और 9 की पावर भी क्या हो जाएगी 10, 2 की पावर 10 है, इसको किस तरह से लिख सकते हो आप, अब इसमें लिखा है 4 लिखा है उस साइड 4 लिखा है तो इसको इस तरह से लिख सकते हो आप 2 की पावर 2 इंटू 10 5, तो ये 10 हो जाएगा यानी 4 की पावर 5, और लास्ट में थ्री की बेस में दिया है तो थ्री की पावर बेस कितनी हो जाएगी टू की पावर टेन यानी थ्री की पावर क्या हो जाएगी 20, तो उसने पूछा वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अंडरस्टूड? 18 को एक्सपांड फॉर्म करो, टू इंटू थ्री इंटू थ्री, टू की पावर इंटू टेन की पावर थ्री, टू की पावर टेन एंड टू इंटू फाइव नाइन, थ्री इंटू टू टेन, फाइव इंटू थ्री, तो वाई की वैल्यू टेन सॉरी 20। अंडरस्टूड? तो टूडेज एक्सरसाइज हैज़ कम्प्लीटेड, नाउ टुडेज योर होमवर्क, डू एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।